सब्सक्राइब करें प्लम्बो बहन के चैनल को और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्लम्बो बहन के में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारी PPR की फिटिंग होती है ना, तो PPR की फिटिंग हम करते हैं तो उसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत होती है और बिजली की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मशीन है हमारी वो बिजली से चलती है। तो यदि हमारे पास मशीन नहीं है और हमें एमरजेंसी में एक या दो जॉइंट लगाने हैं तो हम कैसे लगाएं, तो इसके जुगाड़ के बारे में आज मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि जो है बिना मशीन के हम एक दो जॉइंट कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगा, इसमें वो भी जुगाड़ वाली ही होगी। ये हमारा गुटखा हो गया, चूड़ी बनाने वाला गुटखा, जिससे हम चूड़ी बनाते हैं, लोहे के पाइप की या प्लास्टिक का पाइप हो उसमें हम इससे चूड़ी बनाते हैं, तो इसे हम थ्रेडिंग बोलते हैं। थ्रेडिंग यानी कि चूड़ी बनाने वाली गुटखा। तो इससे जो है हम आज आपको जो है चूड़ी बना के दिखाएंगे। और ये देखिए, इसमें जो चार छेद हैं जिससे चूड़ी बनती है, चूड़ी का बुरादा निकालने के लिए होती है, ये चारों तरफ हैं इसमें, और इसमें चार गुटके होते हैं जो चूड़ी बनाने के होते हैं। तो जो है इसमें प्लास्टिक की बनाओ या लोहे की बनाओ, वैसे प्लास्टिक में ज़्यादा चलता है, लोहे में कम चलता है, क्योंकि लोहे में ख़राब हो जाता है ये गुटका। तो अब हम जो है PPR के पाइप में चूड़ी बना के दिखाएंगे। ये हमारा PPR का पाइप हो गया 1 इंची का, तो 1 इंची में मैं चूड़ी बना के दिखाऊँगा। तो इसको अब हम इसमें कस लेंगे, 1 इंची पाइप को इसमें गुटके में, फिर मैं चूड़ी बना के दिखाऊंगा। तो ये जो है, ये वीडियो आज तक आपने YouTube पे देखी नहीं होगी कि जो PPR के पाइप में चूड़ी बनाते पे, क्योंकि PPR की फिटिंग ज़्यादातर मशीन से होती है, हीटिंग मशीन से, आपने देखी भी होगी। अगर लाइट नहीं है तो हम इससे एक आध जॉइंट लगा सकते हैं, जो क्या नाम है, चूड़ी बनाकर। बाई चांस जैसे लाइट की जुगाड़ नहीं है कहीं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो इससे जो है हम जुगाड़ बनाकर, चूड़ी बनाकर कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये चूड़ी बना के इसका जो बुरादा है वो इसके छेदों से निकल जाता है। अगर नहीं निकलेगा तो ये पाइप जो है बड़ा टाइट कसेगा और ये चूड़ी भी जो है बहुत टाइट बनेगी। तो ये जुगाड़ जो है सही है जुगाड़, इससे लीक भी नहीं करता चूड़ी बना के, एकदम बढ़िया चूड़ी बन जाती है इसमें। अब जो है इसको जो है पाइप को, ये जो इसका लेवल है ना, ये देखिए, ये जो लोहे का पाइप है हमारा, ये लोहे का जो जहाँ नट कसे हुए हैं, तो जो है हमें इसके लेवल तक कसना है, पाइप बाहर निकालना है। चूड़ी फालतू बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं बननी चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं तो चूड़ी कम ही बना रहा हूँ। तो जो है इसको चूड़ी उतनी बनाकर तब जाके खोलें, क्योंकि कई बार क्या होता है आगे की चूड़ी थोड़ी बहुत कम बनती है, इसलिए जो है इसकी चूड़ी लंबी बनाएं, बाद में चाहें तो पाइप को काट लें। तो जो है मैं अब इसको खोल के आपको दिखाता हूँ इसकी चूड़ी कैसी बनी है हमारी। ये देखिए, ये हमारा पाइप की चूड़ी बन गई है, ये देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया चूड़ी बन गई है। अब इसमें तुम 1 इंच का कुछ भी कर सकते हो, सॉकेट हो, एल्बो हो, कुछ भी कर सकते हो, यूनियन भी कर सकते हो। तो जो है ये बढ़िया जुगाड़ है, अगर आपके पास मशीन नहीं है PPR की तो इसमें आप कस सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।